अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। उम्मीद करती हूँ मेरी प्यारी सी यूट्यूब फैमिली सब खैरियत से होगी। आज मैं आपके साथ शेयर करूंगी एक अरेबियन डेजर्ट की रेसिपी, एसल शराया। ये बहुत ही यमी और टेस्टी सा डेजर्ट है, आप इस ईद पे इसको जरूर से ट्राई करें। इसके लिए मैंने 4 से 5 ब्रेड के स्लाइसेस लिए हैं, इसके एजेस कट करके इसको ऐसे मैंने कट करके रखा है। ये 2 टेबल स्पून अनसॉल्टेड बटर है, बटर आप स्किप करके घी का भी यूज कर सकते हैं। अभी पैन में 2 टेबल स्पून बटर ऐड करूंगी। मैंने 2 टेबल स्पून बटर ऐड किया है, बटर अभी अच्छे से मेल्ट हो गया है। अभी हम ब्रेड के स्लाइसेस को टोस्ट कर लेंगे, डीप फ्राई नहीं करना है हमें, इसे सिर्फ टोस्ट करना है। देखिए दो साइड से मैं इसको अच्छे से टोस्ट कर लूंगी, साइड मैंने चेंज कर दी है। देखिए दो साइड से अच्छे से टोस्ट हो गए हैं, अभी मैं इनको बाहर निकालूंगी। 1 कप पानी में 1/2 कप मैंने शक्कर ऐड की है, इसका हम शीरा बना लेंगे। अभी मैं इसमें ऐड करूंगी 1 टीस्पून रोज वाटर, आप केवड़ा एसेंस भी यूज कर सकते हैं। देखिए शीरा भी अच्छे से पक गया है, मैंने फ्लेम ऑफ कर दी है, हम इसको ठंडा होने के लिए रखेंगे। मैंने एक सर्विंग डिश ली है, इसमें हम अब ब्रेड के पीसेस को अच्छे से असेंबल करेंगे। अभी मैं इसमें शीरा ऐड करूंगी, हम 1/2 आवर के लिए इसको अच्छे से सोक होने के लिए रखेंगे। ये 1/2 लीटर मैंने दूध लिया है, दूध को भी मैंने बॉईल होने के लिए रखा है। 1 कप दूध है ये, इसमें मैं 5 टेबल स्पून कॉर्नफ्लोर ऐड करूंगी, इसको अच्छे से मैं मिक्स कर लूंगी। देखिए दूध अभी अच्छे से बॉईल हो गया है, अभी मैं इसमें थोड़ा थोड़ा करके कॉर्नफ्लोर का पेस्ट ऐड करूंगी, अच्छे से मिक्स करते जाएंगे हम। अभी मैं इसमें ऐड करूंगी 4 टेबल स्पून शक्कर, अभी मैं इसमें ऐड करूंगी 1/2 कप मिल्क पाउडर। मिल्क पाउडर डालने से अच्छा क्रीमी सा फ्लेवर आएगा, आप इसको स्किप करके खोया भी ले सकते हैं। देखिए अभी अच्छे से बॉईल हो रहा है, अभी मैं इसमें ऐड करूंगी 1 टीस्पून वेनिला एसेंस, इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे हम। देखिए कस्टर्ड अभी बिल्कुल रेडी हो गया है, अभी मैं फ्लेम ऑफ कर दूंगी, हम इसे ठंडा होने के लिए रखेंगे। कस्टर्ड पुडिंग भी अभी ठंडी हो गई है, अभी मैं इसमें ऐड करूंगी। अभी मैंने इसको अच्छे से स्प्रेड कर लिया है, अभी मैं पिस्तों से इसको गार्निश करूंगी। देखिए मैंने इसको पिस्तों से अच्छे से गार्निश कर लिया है, अभी मैं इनको 2 से 3 घंटों के लिए फ्रिज में रखूंगी, फिर हम इसे डिश आउट करेंगे। देखिए 2 से 3 घंटे हो गए हैं, अभी अच्छे से सेट हो गई है, अभी मैं इसे कट करूंगी। मैंने इसको अच्छे से अभी कट कर लिया है, अभी ये बिल्कुल रेडी है डेजर्ट, आप इस ईद पे जरूर से इसको ट्राई करें, इंशाल्लाह आपको ये डेजर्ट जरूर पसंद आएगा। अगर आपको मेरी रेसिपी पसंद आए तो प्लीज लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए और कमेंट करके जरूर बताइए। इंशाल्लाह फिर आऊंगी एक नई रेसिपी के साथ, जब तक अपना और अपने प्यारों का ख्याल रखिए, दुआओं में याद रखिए। अल्लाह हाफिज़।